की कंपनी क्या है? ओके, एक स्टेप आगे चलते हैं। एकदम से आपको स्लाइड के ऊपर कुछ बहुत सारी बातें नजर आ रही हैं, देखते हैं। हम बात करने लगे हैं कुछ अथॉरिटीज की। ये आज की हमारी आखिरी स्लाइड है। हम बात कर रहे हैं कुछ अथॉरिटीज की। देखिए, हर इदारे को कोई ना कोई चला रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, पाकिस्तान में क्रिकेट कौन चलाता है? पीसीबी। पाकिस्तान में टैक्स के मामलात को कौन देखता है? आपका एफबीआर। पाकिस्तान में कंपनीज के मामलात को कौन देखता है? आपका एससीसी। आपका एससीपी। एससीपी स्टैंड फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये इदारा है जो कि कंपनीज को रेगुलेट कर रहा होता है। आपकी किताब में इसका जस्ट एक ओवरव्यू दिया गया है जो कि आपने पढ़ लेना है, पढ़ के परेशान नहीं होना। बताया ये गया है कि ये ऑपरेशनलाइज्ड हुआ 1 जनवरी 1999। ठीक है, थैंक यू, आपने बता दिया, आपका बहुत शुक्रिया। इसने कॉरपोरेट लॉ अथॉरिटी को रिप्लेस किया। ठीक है, थैंक यू। इसके 8 रीजनल ऑफिस हैं, ये बात याद रखने वाली, जो कि लाल से है। इसका एक हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है और इसके अलावा इसके 8 अदद रीजनल ऑफिस हैं। इसकी तकसीम क्या है कि एक इस्लामाबाद में है, 4 कैपिटल्स में है जो कि प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं, और 3 मुल्तान में, एक है, एक फैसलाबाद में और एक सखर में है। इसको अगर आपने आसानी के लिए याद रखना हो तो आप इसको पीएसएल की टीम्स के साथ याद रख सकते हैं। इस्लामाबाद एक टीम हो गई, कराची लाहौर कोयटा पिशावर, 4 टीमें ये हो गई। इसमें मुल्तान आपको पता है एक एड हो चुकी है, और आपने बस याद क्या रखना है, फैसलाबाद और सखर। तो एससीपी के 8 रीजनल ऑफिसेज हैं और इन 8 रीजनल ऑफिसेज के अलावा एक हेड ऑफिस है जो कि इस्लामाबाद में है। तो प्यारे बच्चों, जरा बताइए इस्लामाबाद में कितने ऑफिस हैं? इस्लामाबाद में कितने ऑफिस हैं? कल इस्लामाबाद में 2 ऑफिस हैं। यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इस्लामाबाद में 2 ऑफिस हैं, एक हेड ऑफिस है, एक रीजनल ऑफिस है। 2 ऑफिस है इस्लामाबाद में। हेड ऑफिस अलग एड्रेस पे है, रीजनल ऑफिस अलग एड्रेस पे है। हेड ऑफिस तमाम रीजनल ऑफिस को कंट्रोल कर रहा है। चलें, अब ये बताइए कि टोटल कितने ऑफिस हैं एससीपी के? अगर आपको एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि टोटल एमसीक्यूज, टोटल ऑफिस कितने हैं? 9। और रीजनल कितने हैं? 8। टोटल 9 है, रीजनल 8 है। और 8 कहां कहां पे डिवाइड है, मैंने आपको तरीका बता दिया है। पीएसएल की टीम्स के नाम आपको आने चाहिए, 5 वहां पे हो गए, 6 बल्कि, और इसमें आपने एक फैसलाबाद ऐड कर देना है और एक सखर ऐड कर देना। गेम समझ आ रही है? ओके, ये इदारा एक्ट्स बनाता है, कानून बनाता है, कानून साजी करता है, और जब ये एक्ट बनाता है तो अपने आप को खुद ही से बहुत ज्यादा पावर भी दे देता है कि जो एससीपी कहेगा वही होगा। ये कंपनीज के तमाम अफेयर्स को रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस कंपनीज को भी देखता है, बैंकिंग सेक्टर्स को भी देखता है, मुदारबाज को भी देखता है, नॉन बैंकिंग को भी देखता है, ये तमाम कंपनीज को रेगुलेट कर रहा है। लॉ ने इसको बहुत सारी ताकत दे दी है। इन एडिशन टू कंपनीज एक्ट, ये एक और एक्ट से भी चलता है जो है एससीपी एक्ट 1997। तो 2 एक्ट्स हो गए मेरे पास,
एक कंपनीज एक्ट 2017, एक एससीसीपी का एक्ट 1997। ये दो एक्ट्स मिलके सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऑपरेट कर रहे होते हैं। अब मुझे बताइए, पीसीबी हमें पता है ये क्रिकेट के निजाम को देखता है, मगर पीसीबी को कौन चला रहा होता है, उसका नाम क्या होता है? पीसीबी को कौन चला रहा है? रमीज राजा कौन है? चेयरमैन। नजम सेठी कौन है? चेयरमैन। चेयरमैन। इसी तरह एससीसीपी का रजिस्ट्रार होता है जो कि उसको चला रहा होता है। एफबीआर में कौन होता है बताइए? एफबीआर में कौन सा बंदा है जो कि उसको ऑपरेट कर रहा होता है? कमिश्नर। तो कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट के अंदर चलाने वाले को हम कहते हैं रजिस्ट्रार। क्या कहते हैं? रजिस्ट्रार। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं, रजिस्ट्रार मींस आर रजिस्ट्रार एंड एडिशनल रजिस्ट्रार एंड एडिशनल ज्वाइंट रजिस्ट्रार आ ज्वाइंट रजिस्ट्रार आ डेप्यूटी रजिस्ट्रार एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार और सच अदर ऑफिसर, जिसको हम डेजिग्नेट कर देंगे कि हाँ इसके पास भी वही ड्यूटीज हैं और वही फंक्शंस हैं रजिस्ट्रार वाले। तो टेक्निकली उन्होंने इस डेफिनेशन में कुछ नहीं बताया, बस ये बताया कि इन तमाम शख्स का एक कॉमन नाम है, दैट इज रजिस्ट्रार। किसी भी बंदे को हम रजिस्ट्रार कह के मुखातिब कर सकते हैं। वो एडिशनल भी हो सकता है, वो एडिशनल जॉइंट भी हो सकता है, वो खाली जॉइंट भी हो सकता है, वो डेप्टी भी हो सकता है, वो असिस्टेंट भी हो सकता है, और वो शख्स भी हो सकता है जिसको लॉ रजिस्ट्रार वाली ताकत दे दे। ताकत क्या है? कि वो कंपनीज को रजिस्टर करे, डॉक्यूमेंट्स का ट्रैक रख रहा हो, कंपनी से डॉक्यूमेंट्स मांग रहा हो, मॉर्गेजेस एंड चार्जेस को रजिस्टर करता है, इंफॉर्मेशन डिमांड करता है, एक्सप्लेनेशन डिमांड करता है कंपनी वालों से, किसी भी टाइम उनके बुक्स उनके रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, और अगर उसको लगे कि दो नंबरी हो रही तो उनके रिकॉर्ड्स को अपने पास जब्त भी कर सकता है, सीज कर सकता है, होल्ड कर सकता है। तो ये कुछ पावर्स एंड ड्यूटीज हैं रजिस्ट्रार की जो कि आपको पता होनी चाहिए। इस स्लाइड पे जो चीजें याद रखने वाली हैं वो ये डेफिनेशन है, ये ऑफिसेज हैं और ये इसकी पावर्स हैं। बाकी चीजें अगर आपने एक दफा पढ़ ली है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंपनी के अंदर बहुत सारे और लोग भी काम कर रहे होते हैं जिनको हम ऑफिसर्स कहते हैं। इसमें डायरेक्टर्स भी आ जाते हैं, सीईओ आ जाता है, सीएफओ भाई आ जाते हैं, कंपनी सेक्रेटरी आ जाता है और ऑथराइज्ड पर्संस। ये सारी डिटेल चैप्टर नंबर 4 की है। चैप्टर 4 में आप इन सब के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 3 में आप डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। और जब हम लोग बोर्ड कहते हैं, बोर्ड BOD कह लें या BOARD कह लें, इसका मतलब है डायरेक्टर्स। BOD स्टैंड्स फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी में जो डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं उनको कंबाइन हम बोर्ड कह के पुकारते हैं, और इनके अलावा सीईओ भी होते हैं, सीएफओ भी होते हैं, सेक्रेटरियां भी होती हैं, सॉरी कंपनी सेक्रेटरी भी होते हैं, और बहुत सारे मजीद ऑथराइज पर्सन जो के डे टू डे एक्टिविटी। लोगों ने इसको देख लिया था, अब आपको पता चल गया कि मेमोरेंडम क्या है और आर्टिकल्स क्या है। अगर वहां पे आपको बताता तो शायद आपको ये बात समझ ना आती कि मेमोरेंडम एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हम बेसिक बातें करते हैं, जिसके अंदर हम फोकस करते हैं और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को ये बताते हैं कि भाई कंपनी का नाम क्या है, उसका ऑफिस कहाँ पे है, उसकी लाइबिलिटी कितनी है। और आर्टिकल्स कंपनी के बाय लॉज होते हैं। इन शॉर्ट ये डेफिनेशन दी हुई है मेमोरेंडम की जो कि आपको अब याद कर लेनी है।
फिर टाइप्स ऑफ कंपनी में कंपनी पढ़ लिया था, कंपनी लॉ पढ़ लिया था, और बॉडी कॉर्पोरेट और फॉरेन कंपनी हम लोगों ने छोड़ दिया था। आइए इसको देखते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट किसे कहते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट का अगर मैं सिंगल वर्ड मीनिंग आपको बताऊं तो ये है हर तरह की कंपनी, एवरी टाइप ऑफ कंपनी। इसके अंदर वो कंपनियां भी शामिल हैं जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर बनी है, चाहे वो मौजूदा हो चाहे वो पुराना हो, अंडर दिस एक्ट और कंपनी लॉ। पहली बात, इसके अंदर वो कंपनीज भी आ जाती हैं जो कि किसी और एक्ट के अंदर बनी है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जो कि बनी है बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर, यानी कि ये वो ऑर्डिनेंस है जो कि बैंकिंग कंपनीज को रेगुलेट करता है। एक कंपनी इस ऑर्डिनेंस के तहत मार्ज वजूद में आती है। अब कहने को वो कंपनीज एक्ट तो फॉलो नहीं कर रही, वो तो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस को फॉलो कर रही है, स्टिल वो बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी, वो इस एक्ट के लिए बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी। क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, हर तरह की कंपनी, चाहे वो कंपनी लॉ में बनी हो, चाहे वो कंपनीज एक्ट में बनी हो, चाहे वो किसी और एक्ट के अंदर बनी हो जो कि पाकिस्तान में चलते हैं। और अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट पाकिस्तान से बाहर हुई है मगर उसका ऑफिस पाकिस्तान में, बनी पाकिस्तान से बाहर है, जैसे कोक, पेप्सी, मैकडॉनल्ड्स, अब ये सारे बने पाकिस्तान से बाहर है मगर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आ जाते हैं। तो बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन, एवरी टाइप ऑफ कंपनी। अब अगर आपसे आईकैप डिफाइन करने का कहे कि जनाब डिफाइन करें कॉर्पोरेशन को, तो परेशान नहीं होना, ये बॉडी कॉर्पोरेट को ही कहते हैं। तो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर तीन चीजें आप लोगों ने ऐड कर लेनी है, ये तीन बातें। क्या कुछ लेस भी करना है? जी, इसमें दो तरह की बातें आप लोगों ने माइनस कर लेनी है। जो कॉपरेटिव सोसाइटीज होती हैं वो बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आती। जितनी भी ये जो सोसाइटीज है ना, कॉपरेटिव सोसाइटी जो कि अपने लॉ के अंदर रजिस्टर हो रही है, वो इस डेफिनेशन में शामिल नहीं है। प्लस हर वो कंपनी जिसको फेडरल गवर्नमेंट कह दे कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कह रही। याद रखिएगा, हम यहाँ पे सिर्फ फेडरल की बात कर रहे हैं, प्रोविंशियल की बात नहीं कर रहे। दिस इज ओनली फेडरल, नॉट प्रोविंशियल। तो दो चीजें कौन सी माइनस करनी है, एक कॉपरेटिव सोसाइटी और हर वो कंपनी जिसको फेडरल गवर्नमेंट का मिनिस्टर कह दे कि भाई अब ये हम में नहीं, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर से आप माइनस करते हैं। तो ये दो चीजें माइनस होंगी, तीन चीजें ऐड हो जाएंगी। दिस इज बॉडी कॉर्पोरेट, इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। फिर फॉरेन कंपनी क्या है, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की, जहन में फॉरेन से आपके आ जाना चाहिए मैकडॉनल्ड्स, नेस्ले, पेप्सी, कोक, हर वो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है पाकिस्तान से बाहर, आउटसाइड पाकिस्तान, मगर हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में वो काम कर रही है, या पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई उसका लाइजॉन ऑफिस मौजूद है, डायरेक्ट काम नहीं कर रहे मगर ऑर्डर टेक कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बैठ के ऑर्डर्स ले रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, खुद से या थ्रू एन एजेंट, खुद बैठे हुए या किसी एजेंट को बिठाया हुआ है, चाहे वो फिजिकल काम हो रहा है चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक काम हो रहा है, वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी। या वो कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रही है, सेल परचेज कर रही है, जस्ट लाइक KFC, RD, इस तरह की कंपनी।
तो बॉडी कॉर्पोरेट और फॉरेन कंपनी, ये दो डेफिनेशन हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। यहां तक, इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी, कोई सवाल किस पॉइंट तक? जी कौन से दो पॉइंट्स फरमान, किन दो पॉइंट्स की बात हो रही, किसके दो पॉइंट्स? किन दो पॉइंट्स की बात कर रहे हो ये तो बताओ। अच्छा, उन्होंने ये कहा बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर के भाई इसमें आप हर तरह की कंपनी को तो ऐड कर सकते हैं, मगर ध्यान रहे कि ये दो तरह की कंपनीज ऐड ना हो। यानी कि उन्होंने आपको क्या दे दी, एक्सेप्शन दे दी, इनको ऐड नहीं करना। कौन सी? नंबर वन, कॉपरेटिव सोसाइटी जो के रजिस्टर हुई है अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आप देखते हैं इस तरह की सोसाइटियां काम कर रही हैं, तो वो आप इस डेफिनेशन में ऐड नहीं करते। दूसरा, हर वो कंपनी जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब से ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, वो इसमें नहीं आती। अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, तो ये वॉलंटरी एसोसिएशन होती है इंडिविजुअल्स की, जो के आते हैं, इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, काम करते हैं और छोड़ देते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 पहले था और आजकल ये गालिबन शायद 1925। इसके अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूं लिख लें, जैसे कोऑपरेटिव वुमेन सोसाइटीज, कोऑपरेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस,